देखिए ये क्वेश्चन है, इसकी आपको आंसर गिवन करनी है, तो मैं इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, पहले आप कोशिश करिए समझने की कि मैंने क्या ट्रिक लगाई, उसके बाद मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। तो देखिए करते हैं स्टार्ट आंसर गिवन। तो करने का तरीका देखिए, आप खुद ही अनुमान लगाइए कि मैं क्या कर रहा हूँ, गैस करिए कि क्या रूल इसमें लगाया जा रहा है। अब ये मैंने सॉल्व किया, लीजिए ये हो गया आंसर गिवन। हुआ ना मैजिक? तो आप सीखना चाहेंगे इस मैजिक को? चलिए अब सीखते हैं इसका मैजिक कि क्या ट्रिक है। अगर आपको ये आंसर गिवन करने की ट्रिक पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए अब सिखाते हैं इस ट्रिक क्या है इसको। देखिए सबसे पहले हम करते क्या है, एक पहला वाला व्यंजक को आप उतार लीजिए यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, और इसको आप जीरो के इक्वेट करिए ऐसे, और यहाँ से एक्स की वैल्यू जो भी आए उसे यहाँ पर रख दी, यानी जिससे वैल्यू निकालिए उसे छोड़ के शेष में रखनी है। देखो x के प्लेस पर क्या रखती है हमने, वन, ठीक है समझ आया। अब यहां प्लस का चिन्ह लगाना, फिर दूसरा वाला ऐसे उतार लीजिए, ओके। अब करना क्या है, यहां से x प्लस पांच बराबर जीरो, और x की वैल्यू यहां से कितनी आई माइनस के फाइव, और अब इस वैल्यू को पहले वाले में रख दीजिए। बात समझ में आ रही है, x के प्लेस पर रखना सब में, लीजिए ये हो गई आंशिक भिन्न। अब इसको देखिए सॉर्ट कर सॉल्व कर लेते हैं, एक और एक कितना हो गया दो, पांच और एक छः, पांच में से माइनस चार और ये चार, यहाँ पे देखिए माइनस का था तो माइनस का छः और ये एक्स प्लस पाँच, तो यहाँ पे देखिए दो एक कम दो, दो तिया छः, दो तीन चार, दो तिया छः, माइनस माइनस प्लस, लो जी ये आ गई आंशिक भिन्न। ये कहलाती है शॉर्ट ट्रिक आंशिक भिन्न की। तो मैं अब यहां पे आपको दो क्वेश्चन और बता रहा हूं, ठीक है चलिए करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसको मैं उसी ट्रिक से कर रहा हूं, आपको ट्रिक समझ में आ गई है तो इसको अपना आप करने की कोशिश कीजिए, मैं इसको कर रहा हूं। तो क्या करा था मैंने, सबसे पहले देखिए सबसे पहले वाले जीरो के इक्वल कीजिए, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, इसे उठाकर रखना है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर रखना है, यहाँ रखना और यहाँ रखना, यानी जिससे वैल्यू निकालनी है उसमें नहीं रखनी है बस। तो देखिए यहाँ पे इसको ऐसे रखना है, बाकी पास वालों में रख देनी है, यानी वैल्यू यहाँ भी रख दीजिए, ठीक। फिर क्या करना था, प्लस का निशान लगाना है। अब दूसरे वाली वैल्यू यहाँ से रखिए, तो एक्स बराबर कितना आ गया टू, कहाँ रखना है इसे छोड़ के, यहाँ यहाँ क्या रखेंगे यहाँ पे टू माइनस वन, देखिए यहाँ कुछ नहीं करना, इसे ऐसे छोड़ देना, यहाँ पे रखना टू माइनस थ्री, और ऊपर भी रखनी है थ्री इंटू टू। अब तीसरा वाला क्या, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू कितना थ्री, कहाँ पर रखना थ्री, यहाँ पर और यहाँ पर, तो प्लस का निशान लगा देते हैं, हम देखिए यहाँ रख देते हैं थ्री इंटू थ्री, पहले भी लगाएंगे थ्री माइनस वन, दूसरे में लगाएंगे थ्री माइनस टू, और तीसरा जिससे निकाले वैल्यू उसमें नहीं लगाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए हो गई आंसर भी, वैसे पूरे एक पेज में आती लेकिन आप इससे करेंगे तो एक ही लाइन में कर सकते हैं। कितना बचा माइनस का, अब देखिए माइनस का वन और माइनस का टू हो गया, प्लस का टू ये हो गए। अब यहाँ पर ऐसे देखिए तीन दुनी छः, और यहाँ पर माइनस का वन और प्लस का वन, तो माइनस का बचा। अब देखिए तीसरे नंबर पे यहाँ पे तीन तीन या नौ, तो तीन में दो गए एक, और तीन में से एक गया ये प्लस का बचा एक, और यहाँ प्लस का दो, तीन तीन नौ बटे दो एक्स माइनस थ्री, ये हो गई इसकी आंशिक भिन्न। तो इस तरीके से आप देखिए बड़े से बड़े आंशिक भिन्न को ये लीनियर रूप की, साथ ये कि वो लीनियर फॉर्म होनी चाहिए, यानी कि सब में जो है ये पावर एक जैसी होनी चाहिए, अगर पावर एक जैसी तभी ये रूल फॉलो होता है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, ये मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, तो आप
चैनल, अगर आपको हमारा बैटर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहना। तो देखिए यहाँ पे करना कैसे है, रूल वही है। देखो यहाँ पर शर्त यह है कि सबको एक जैसा होना चाहिए। जैसे पहले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ देखिए जैसे सब में एक्स है, तो ये क्वेश्चन आपको जो है होमवर्क में दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है। तो आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना। तो आप देखिए इस क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो सबसे पहला काम है पहले वाले को ऐसे लिख उतार दीजिए, ठीक है। यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर स्क्वायर आता है तो वर्गमूल नहीं लेना, यानी वर्ग नहीं करना, क्योंकि माइनस संख्या है, वर्गमूल लेंगे तो काल्पनिक हो जाएगी। इसे उठाकर कहाँ रख दो, शेष में, इसमें रख दीजिए। बीच में प्लस का निशान लगाना, फिर क्या करना, दूसरे वाले से निकालना। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा माइनस के 9। तो यहाँ पर देखिए पहले दूसरा वाला ऐसे लिखूंगा और ये जो वैल्यू उठा के पहले वाले में रख देंगे, इतनी रखनी माइनस का 9 प्लस के 4 और ऊपर एक्स स्क्वायर की जगह माइनस का 9। देखिए आंसर आ रहा माइनस के 4, ये कितना हो जाए 5। और यहाँ पे माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो माइनस का ये हो गया 9 और यहाँ बचेगा माइनस का 5, ये हो गया। तो कितनी देर लगी इसको आंसर करने में, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लिखा। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, इसे जरूर करें। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रही है तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में लाइक भी करते रहिएगा और आपके जो फ्रेंड हैं उनको व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर भी करते रहिए। तो अगली वीडियो तक के लिए आप SPMS चैनल पर बने रहिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।